दीप जी, यादलीन जी, पलविंदर जी, वेलकम टू द क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास में जैसा कि आपने को ने डिसाइड किया था कि स्पेंसर पढ़ेंगे, ठीक है, तो आज की क्लास में एडमंड स्पेंसर करेंगे। और एडमंड स्पेंसर के बारे में एक वीडियो पर्टिकुलरली बेसिकली वर्क के बारे क्या है नहीं देते, लेकिन आपको इम्पोर्टेंस उसको देनी पड़ेगी क्योंकि आपको एडमंड स्पेंसर पढ़ना है। आई गेस थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, पर कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देती हूँ। आज की क्लास में हम एडमंड स्पेंसर पढ़ेंगे, ठीक है। तो मीनवाइल आप देख लेना, एडमंड स्पेंसर को जब आप पढ़ेंगे तो एक ही चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा आपको फोकस देना है, वो है द फेरी क्वीन। सिपिका जी, वीरपाल जी, थोड़ा सा आज नेटवर्क इशू है मुझे ऐसा फील हो रहा है, अदरवाइज मेरी तरफ से तो नहीं है, ठीक है, कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं फिर देखते हैं। देखिए, दो क्वेश्चन जो हैं, दो क्वेश्चन उसमें से स्पेंसर में से पूछे गए थे, और डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि क्या हमें पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, अगर आप इसके टाइमलाइन देखोगे तो 1552 से लेकर 1599, ठीक है, इस टाइम के आसपास आपको शेक्सपियर भी मिल जाएंगे और क्रिस्टोफर मार्लो भी मिल जाएंगे, जो इससे पहले के दो राइटर्स हमें कवर करने हैं। कुलदीप जी, सचिन जी, मनिंदर जी, मुकेश जी, रमनप्रीत जी, वेलकम टू द क्लास। खुशी जी, वेलकम टू द क्लास, सभी को गुड इवनिंग। हाँ जी, मनिंदर जी, सत श्री अकाल। आज मैं समझ गई, मुझे कल मतलब नहीं पता था शॉर्ट फॉर्म, लेकिन आज मेरे को पता है। इस टाइमलाइन में एक और पर्सन आपको मिलेंगे, सर वॉल्टर रैले, ठीक है। ये वही वॉल्टर रैले हैं जो कि एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी थी, और इनका बहुत बड़ा हाथ था मार्लो को स्टैब करवाने में। मार्लो के लिए ऐसा कहा जाता है कि मार्लो की जो डेथ हुई थी 29 इयर्स में, वो बेसिक रीज़न उनकी राइटिंग्स नहीं थी, दरअसल ये एक अफवाह यानी कि एक र्यूमर था कि मार्लो जो है वो इंग्लैंड में जितनी भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनके बड़े अगेंस्ट लिखते हैं, जबकि मार्लो ने मैजिक का बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, है ना। मार्लो की राइटिंग्स में जो डार्क चीज़ें हैं, यानी कि डार्क एंड बिटर चीज़ें हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी, वो हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये र्यूमर फैलाया गया था इंग्लैंड में कि ये बहुत गलत चीज़ें लिखते हैं, जिसकी वजह से कुछ पॉलिटिकल पर्सनालिटी इनके अगेंस्ट हो गई थी। ये मैंने वहाँ भी डिस्कस किया था, फिर से मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो पर्सन है सर वॉल्टर रेले, इनका भी बहुत क्लोज कनेक्शन था स्पेंसर के साथ, ठीक है। स्पेंसर ने भी एलिजाबेथ इंग्लैंड की जो क्वीन थी उनके साथ काम किया है, बेसिकली उनके कोर्ट में ये एक डेजिग्नेशन पे थे। अब आगे देखते हैं कि क्या हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो इनकी टाइमलाइन ध्यान रखना, 1552 से लेकर 99। दूसरा, इनको एक राइटर हुआ करते थे चार्ल्स लैम्ब, उन्होंने टाइटल दिया था, और वो टाइटल क्या था, द पोएट्स पोएट, ठीक है। तो ये एक बड़ा फेमस सा टाइटल था कि ये पूछ लेता है, और क्या पूछ सकता है। अमनदीप जी, गुड इवनिंग, और क्या चीज़ पूछ लेता है कि इनको कहाँ पर, मतलब स्पेंसर को कहाँ पर, जिसे कहते हैं ना कि इनका जो टॉम्ब है वो कहाँ पर है, दरअसल वो है पोएट्स कॉर्नर में, ठीक है। वेस्टमिंस्टर एबे एक जगह है, वेस्टमिंस्टर एबे एक चर्च भी है, वहाँ पे एक अलग से कॉर्नर बनाया गया है जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा वेल नोन होते हैं ना पोएट या राइटर्स, उनको दफनाया जाता है, ठीक है। तो पोएट्स कॉर्नर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। अब आगे देखते हैं, सबसे पहले जो हमें चीज़ इनकी ध्यान रखनी है वो है द शेपर्ड्स कैलेंडर। द शेपर्ड्स कैलेंडर पहली राइटिंग है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ जी वीरपाल जी, वेस्टमिंस्टर ब्रिज पे वर्ड्सवर्थ ने एक पोयम भी लिखी है। सोनम जी, एग्जाम कब होगा,
पर्टिकुलरली तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, जिस दिन वैक्सीन आ जाएगी मार्केट में उसी दिन हो जाएगा, उस दिन डिसाइड हो जाएगा कि कब लेना है एग्ज़ाम, क्योंकि यूजीसी का एग्ज़ाम हो रहा है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम 15 या 16 को है। आशा महतो जी गुड इवनिंग, खुशी 1579, हाँ ठीक है। अब सेकंड जो चीज़ हमें पढ़नी है वो है एमोरेटी, जो कि इनके सोनेट सीक्वेंस थे, इनके फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस थे। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि उसमें कितने सोनेट्स थे, तो आप मुझे ये बताओ अगर आपको पता है कि एमोरेटी में कितने नंबर ऑफ सोनेट्स थे तो ज़रा मुझे मैसेज कर दो, ठीक है। अब थर्ड चीज़ हम देखते हैं, थर्ड जो हमें इनका पढ़ना है वो है एपिथैलामियन। ये और ये सोनेट फॉर्म में लिखा गया है, पर इसमें बहुत ही कम पोएम्स हैं, ठीक है, पोम्स कम हैं। ये सोनेट फॉर्म में है तो ये ज़्यादा लिखे हैं, दोनों एक ही पर्सन के लिए लिखी हैं। हरलीन जी गुड इवनिंग। नेक्स्ट चीज़ जो हमें इनकी पढ़नी है वो है, देखो पढ़ना तो एक और चीज़ है, प्रोथैलामियन, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। ऐसे तो उन्होंने लिखा है, क्लाउड कोइंथ करके भी एक वो पोएम लिखी है, ब्रीटो मार्ट भी लिखी है, पर जो मेजर वर्क है वो यही है, ठीक है। आई गेस मैसेज, अब और क्या पढ़ना है, द फेरी क्वीन। ये चीज़ें वो हैं जो हमें याद रखनी है। क्वेश्चन हमेशा द फेरी क्वीन में से आएगा, एमोरेटी में से सोनेट कभी नहीं पूछता। दो चीज़ें पूछ लेगा, या तो नंबर ऑफ सोनेट पूछ लेगा। यादलीन जी 89 कह रही हैं, हरलीन जी 89 कह रहे हैं, वीरपाल जी 89 कह रहे हैं। सोनेट्स एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगी, आप चेक कर लेना कि 89 है या 88 है। अभी मुझे फटाफट से चेक करके बताओ कि 89 सोनेट्स हैं या 88 हैं। जितने भी लोगों ने 89 आंसर दिया है ना, एक बार फिर से गो थ्रू करके बताओ कि 88 है या 89 है। एवलास जी गुड इवनिंग, रमनप्रीत जी कह रही हैं 89 और समवेयर 88, काइंडली कंफर्म। रमनप्रीत जी दरअसल जो सोनेट्स की रिटर्न रेफरेंस हमें मिलती है ना विद प्रूफ, आप कोई से भी बुक पढ़ोगे तो उसमें 88 है, ठीक है। आपके क्वेश्चन पूछने से पहले मैंने ये कह दिया उनको कि बताओ ज़रा मुझे कि 88 है या 89 है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो 89 दिया है ना, दरअसल क्या होता है कई बार हमें डाउट होता है कि 88 है, ऑप्शन में 87 भी दिया है, 86 भी दिया है और 89 भी दिया है। अब किसी ने, जैसे बच्चे करते हैं ना स्कूल में कि 89 है 86 है, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाती है, ठीक है। बट जो करेक्ट आंसर है वो 88 है, शायद इसीलिए जितने लोगों ने 89 आंसर दिया है ना, देखो खुशी ने, अमनदीप जी ने, यादलीन जी ने, हरलीन जी ने, वीरपाल जी ने, एवलास जी का भी अब आंसर आया 89, तो ये जितनों ने 89 आंसर दिया है ना ये गलत है, 88 है करेक्ट आंसर। हमारे पास जितने भी रिटर्न रिकॉर्ड है ना वो 88 है। हाँ जी रमनप्रीत जी, आपका जो आंसर है 88 वो करेक्ट है। फेरी क्वीन जो बुक है, ओरिजिनली 24 बुक्स को लिखने का प्लान था, लेकिन कितनी पूरी हो पाई, 6 ही बुक्स पूरी हो पाई, ठीक है। एक और चीज़ रह गई है इसकी, वो है एस्ट्रोफिल, एस्ट्रोफिल एलिजी ऐसे करके आपको मिलता है। एलिजी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी क्लोज वन की, गुरप्रीत जी कह रहे हैं 89 कन्फर्म। गुरप्रीत जी यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि दरअसल ये है कि 88 सोनेट्स की रेफरेंस है, 88 करेक्ट आंसर है। अब मैं आपको क्लियर बताती हूँ, देखो 89th जो है ना, एक सोनेट उसका अनपब्लिश था, तो जितने भी पब्लिकेशन है हम, यादलीन जी गूगल पर 89 है। अब मैं आपको उसका क्राइटेरिया बताती हूँ, देखो जितनी भी पब्लिश्ड बुक आप देखोगे उसमें 88 मिलेगा आपको, ठीक है। 89 वो सोनेट है जो कि बाद में अलग से पब्लिश किया गया है, किसी ने भी उसको कलेक्शन में नहीं डाला है। अगर ऑप्शन में दोनों चीज़ें तो वो कभी नहीं देगा, ये भी मैं आपको बता दूं, यहाँ आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। अगर 88 या 89 है, 90 है ऑप्शन में या 91 है, यहाँ पे ये तो एक साथ हो गए, ये अलग हो गया 82, ठीक है। अगर 88 और 89 दिया गया है, इनमें से कोई एक ही ऑप्शन में होगा, 82 नहीं होगा, 90 नहीं होगा, 91 नहीं होगा। अगर दोनों चीज़ें हैं तो प्लीज़ 88 लगाना, क्योंकि हमेशा गूगल पे भी सही नहीं होता, ठीक है। खुशी कह रही हैं हाँ एस्ट्रोफिल लिखी थी फिलिप सिडनी को, हाँ सही कह रहे हो आप। शेपर्ड्स कैलेंडर भी सिडनी को डेडिकेट किया था,
एस्ट्रोफिल नाम की जो एलिजी थी वो सिडनी की डेथ पर लिखी थी। एक और चीज़ मैं रिपीट कर रही हूँ कि बहुत सारी जगह ये रेफरेंस नहीं मिलेगी कि एक सोनेट 88 सोनेट के साथ पब्लिश हुआ था, ठीक है। ये एक सोनेट कब लिखा था हमें क्लियर नहीं पता, कहीं आपको जिक्र नहीं मिलेगा। ये लास्ट का जो सोनेट था, शायद सोनेट नंबर 81 या 82 होगा इसका, वो इसने कभी लिख कर छोड़ दिया था, और जब वो खो गया था, मतलब बाद में जिस किसी को भी वो मिला तब वो पब्लिश हुआ था। इसलिए लोग कहते हैं 89 सोनेट है। ज़रूरी नहीं होता कि गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट हो। हाल फिलहाल मैं कुछ पढ़ रही थी स्पेक्ट्रम में से, उसमें एक जगह रेफरेंस गलत दी हुई थी, ठीक है, कि फर्स्ट फैक्ट्री इंडिया में कब सेटअप हुई। मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी की बुक्स में कुछ और दिया गया था, क्लास 8th की सोशल साइंस की बुक में और स्पेक्ट्रम जैसी जानी मानी बुक में कुछ और दिया गया था, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। 88 है इसका करेक्ट आंसर, 89 नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कलेक्शन क्या थी। इवन आप अरिहंत की बुक भी अगर फॉलो करोगे, ठीक है, अरिहंत की बुक, इसमें भी 88 का ही जिक्र है। अगर ये आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, मैं यूजीसी की अरिहंत की बात कर रही हूँ, अरिहंत पब्लिकेशन की, 88 सोनेट्स का ही जिक्र है। तो मैं रिटर्न रिकॉर्ड को मानूंगी। उसका रीज़न ये है कि किसी भी एग्जाम को जब आप देते हैं और आप उस पर वो लगाते हैं ना, RTI लगाते हैं, आपको याद होगा कि आपको पता होगा कि अगर किसी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन जो है आपको लगता है कि आपने सही किया है और वो कहते हैं जी आंसर की में ये चीज़ आपने गलत करी है, तो आप RTI के थ्रू जब लगाते हो ना तो वो रिटर्न मांगते हैं, रिटर्न के हिसाब से 88 है, ठीक है। तो 88 को फॉलो करें प्लीज़, 89 को नहीं। चलो समझ आ गया तो सब कह रहे हैं ओके मैम। तो एस्ट्रोफिल फिफ्थ हो गया। अब एस्ट्रोफिल और शेपर्ड्स कैलेंडर ये डेडिकेट किया था सिडनी को। अब वन बाय वन इन पे मूव करते हैं, ठीक है। सबसे पहले शेपर्ड्स कैलेंडर। कैलेंडर नाम से हमें ये पता चलता है कि डेट्स को सिग्निफाई कर रहा है, लेकिन यहां पे ये 12 मंथ्स को बता रहा है। यहां पे 12 मंथ्स यानी कि 12 एकलॉग्स आपको मिलते हैं, और एकलॉग का लिटरल मीनिंग ये होता है कि वो बात कर रहा है। सोनम कह रही हैं जी मैम, ठीक है सोनम जी। एकलॉग्स का मतलब होता है पास्टोरल पोयम, मतलब आपको भर भर के एनवायरनमेंट का, लैंडस्केप का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो एकलॉग्स, ठीक है। काफ़ी बार ये कह देता है किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन है, पोएम्स का, एकलॉग्स का, सोनेट्स का, तो आपको पता होना चाहिए कि पोएम्स नहीं हम डायरेक्टली कहेंगे, इसके लिए जो टर्म यूज है ये वो एकलॉग्स हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब 12 मंथ्स जो हैं 12 एकलॉग्स को बताते हैं, ठीक है। किसको डेडिकेट किया गया है? सर फिलिप सिडनी को। इसमें हमें यही ध्यान रखना है। हाँ यादलीन जी, दरअसल 12 बुक्स जो थी ना वो पैराडाइज लॉस्ट की थी, 24 बुक्स फेरी क्वीन की हैं, सेम यही बुक है। देखो मैं दिखाती हूँ, रुको, कवर पेज में आपको दिखा देती हूँ। ये बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की, ठीक है। पर्सनली जब मैं नेट के लिए प्रिपरेशन करती थी, ऑल दो आई हैव क्लियर्ड इट, लेकिन ये बुक है, और ये 650-700 रुपये की कुछ बुक है, प्राइस यही है इसका, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। प्लीज़ इसको फॉलो कर लेना, हालांकि इसमें बहुत सारी यूनिट्स ऐसी हैं जो आपके काम की नहीं है, बट अगर आप इसको ऑनलाइन सर्च करोगे तो पता चल जाएगा कि जो 12 बुक्स थी वो पैराडाइज लॉस्ट की थी, 24 फेरी क्वीन की हैं, पर लिख पाया 6 ही, ठीक है। आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा डाउट। गुरप्रीत जी कह रहे हैं डायलॉग फॉर्म में, हाँ शेपर्ड्स कैलेंडर भी प्लस फेरी क्वीन में भी डायलॉग सीक्वेंस चलता है, लेकिन यहाँ पे जो डायलॉग्स हैं वो ज़्यादा है, ठीक है, ये डायलॉगिक फॉर्म में चलता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। हाँ जी वीरपाल जी, अभी मैं उसी के रेफरेंस दे रही थी कि इसका जो मेन मोटो था, किसको इन्होंने इमिटेट किया है, वर्जिल को, जो कि वर्जिल, ओविड और होमर, पुराने ग्रीक, ठीक है, ग्रीक के ये जो पोएट हैं इनको इमिटेट किया है। एक राइटर जब कुछ लिखता था तो पुरानी चीज़ों का, पुरानी चीज़ों से यानी कि पुराने राइटर्स से जो वो सीखता था उनको एज इट इज़ कॉपी कर लेता था, ठीक है। हाँ जी खुशी जी, 7th इनकम्प्लीट है, इसीलिए 6 को ही पब्लिश करवा पाया, 7 को नहीं करवा पाया, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखते हैं शेपर्ड्स कैलेंडर में एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है, भूल गई थी मैं, जो लेटर है ना, लेटर के प्रीफेस में हमें ये पता चलता है कि वो किसको डेडिकेट किया गया है। दरअसल वो डेडिकेट किया गया है सर वॉल्टर रैले को। ठीक है, और कुछ रह गया हो तो बता देना, मुझे ध्यान था। सेकंड चीज एमोरिटी, एमोरिटी को फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस भी कहा जाता है। पलविंदर जी कह रहे हैं वर्जिल के एक लॉग्स पे बेस है। हाँ जी, वर्जिल के एक लॉग्स पे बेस है, और वर्जिल जो है वो ओल्ड इंग्लिश के पोएट है। ठीक है, अप्रैल एक लॉग डेडिकेटेड टू एलिजाबेथ। हाँ जी, अप्रैल एक लॉग भी है, प्लस उसके सारे एक लॉग्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो ये पूछेगा। हाँ जी खुशी जी, फिलिप सिडनी को किया था, सही कह रहे हो आप। अमनदीप जी अप्रैल एक लॉग, दरअसल जब वो पूछेगा ना कि किसको डेडिकेट किया गया था, तो वो ऑप्शन कुछ इस तरीके से देगा कि एलिजाबेथ वन, मैरी, आर्टिगल, ब्रिटोमार्ट। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपने फेरी क्वीन को अच्छे से पढ़ा होगा या ड्राफ्ट पढ़ा होगा ना, तो क्या होगा कि एलिजाबेथ आप आसानी से लगा दोगे, इसलिए मैंने उसको मेंशन नहीं करा। अप्रैल को इसलिए मेंशन करता है क्योंकि अप्रैल में हमें एलिजाबेथ की रेफरेंस मिलती है। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको अभी बताऊंगी कि एलिजाबेथ वन की सिर्फ रेफरेंस मिलती है। ग्लोरियाना जो नाम का कैरेक्टर है ना, वो हमें एज इट इज़ क्या होता है कि पूरे उसमें आप नहीं देखोगे उसकी प्रेजेंस, बस ग्लोरियाना को ये दिखाया है कि ग्लोरियाना नाम की कोई लेडी है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत इंटेलिजेंट है, सब उसके पीछे भाग रहे होते हैं, एंड एट द एंड हमें पता चलता है। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस भी इसको कहा जाता है इंग्लिश में। कितने सोनेट्स हैं? 88 और 89, जो भी ऑप्शन में हो लगा देना। रिटर्न रिकॉर्ड 88 का ही है। ठीक है, अमनदीप कह रहे हैं यस मैम। पलविंदर जी हाँ जी, सॉन्ग लिखा है, दरअसल वो पोएम फॉर्म में है ना। खुशी जी ग्लोरियाना करेक्ट आंसर है। थर्ड, अब ये दरअसल इसमें हमें कोर्टशिप मिलती है, जब ये एलिजाबेथ बॉयले से मिले थे। देखो ये एलिजाबेथ क्वीन नहीं है, एलिजाबेथ बॉयले, क्वीन एलिजाबेथ की जब ये काम करते थे, मतलब क्वीन एलिजाबेथ के कोर्ट में जब स्पेंसर काम करते थे, तो किसी को जानते हुए, किसी अननोन पर्सन के थ्रू ये एलिजाबेथ बॉयले के कांटेक्ट में आए थे। ठीक है, जब ये एलिजाबेथ बॉयले के कांटेक्ट में आए थे तो वो इनको पसंद करती थी और ये भी उनको पसंद करते थे, तो उसका डिस्क्रिप्शन उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि किस तरीके से वो इन सोनेट्स के थ्रू आपको बताते हैं कि कैसे वो एलिजाबेथ बॉयले से मिले। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसी का एक्सटेंशन हमें एपिथैलामियन में मिलता है। एपिथैलामियन दरअसल वेडिंग सॉन्ग है। अब जब वो एलिजाबेथ बॉयले से मिल लिए हैं, हाँ जी एवलान जी, फर्स्ट सोनेट कलेक्शन, हाँ बताया मैंने, फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस पूरे इंग्लैंड में। ठीक है, और इसके बाद शेक्सपियर के आते हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो ये तो 1552 में आए ना, शेक्सपियर 1564 में आए, 1660 में उनकी डेथ हुई और इनकी हुई थी 1599 में। ठीक है, तो मैं बता दूं ज़रा जिनको ना पता हो, तो स्पेंसर पहले आए थे दरअसल और शेक्सपियर बाद में आए थे। वो बात और है कि आपके सिलेबस में स्पेंसर को बाद में रखा है, शेक्सपियर को पहले रखा है। ठीक है, ये इनकी टाइमलाइन है, ये शेक्सपियर की टाइमलाइन थी। वेडिंग सॉन्ग है किसके साथ? एलिजाबेथ बॉयल के साथ, बॉयले भी बोलते हैं इनको। ठीक है, इसमें इतना ही ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो जो जो चीज़ मैं कह रही हूँ ना ध्यान रखनी है, क्योंकि इतना समझ लो स्पेंसर की फेरी क्वीन में से कोई डायलॉग नहीं आएगा, क्योंकि उसमें भर भर के कैरेक्टर दिए हैं। उसकी 6 बुक्स को आज मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी, मैंने कुछ नोट्स प्रिपेयर किए थे उसके रिगार्डिंग, जिससे कि मेरी कोशिश है कि एटलीस्ट आपको पता चल जाए। स्पेंसर रोट 24 सोनेट्स, किसके लिए? डेडिकेट भी तो किए थे ना किसी को, रैंडम लिखे थे गुरप्रीत जी। वो 24 सोनेट्स अलग से नहीं काउंट होते गुरप्रीत जी, वो इसी में काउंट होते हैं। द फेरी क्वीन एलिगोरिकल एपिक है, पहली बात। एलिगोरिकल का मतलब होता है कि एक स्टोरी आपको जो दिख रही है, यानी कि जो हम फेस कर रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो तो है ही, प्लस एक स्टोरी बैकग्राउंड में है।
ठीक है, तो जो आपको बताना चाह रहा है उसके ठीक पीछे एक और स्टोरी चल रही है। रेफरेंसेस कहाँ से ली गई हैं? बाइबल से, भर भर के बाइबल की रेफरेंस ली गई है। नेक्स्ट देखो, जितने भी कैरेक्टर्स हैं वर्च्यूज को बताते हैं, यानी कि मोरालिटी को बताते हैं। ठीक है, दो इंटेंशन थे इसके। पहला इंटेंशन, इंटेंडेड टू टीच, कि स्पेंसर ने ये कहा था कि जो चीज़ें आपको वो बता नहीं सकते ना, वो सारी की सारी चीज़ें इनमें लिखेंगे। एपिथेलामियन कंसिस्ट ऑफ 364 लाइंस, हाँ, और 24 स्टैंजल्स। सही है वीरपाल जी, लाइंस आपने पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ इंटरेस्टिंग ही है। बेसिकली क्या है कि वो एपिथेलामियन में न्यू जो ब्राइड उनके घर आई हैं उनका वेलकम करते हैं। ठीक है, और कैसे वो होपफुल हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, अपने फ्यूचर को देखते हैं, उसके बारे में भी बताया है। क्या चीज़ इंटेंड करता है? एक तो कि मॉरल सीखे इंसान, मॉरली प्लस पर्सनली, कि क्या चीज़ें उसको लाइफ में चाहिए, अडॉप्ट करनी है। दूसरा, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है ना उससे अवेयर कराता है आपको। ठीक है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में बात की थी। तो पहले दो पर्पस हैं जो स्पेंसर के थ्रू है। पहला कि टीच करना है, क्या चीज़ की मॉरल सिखाएगा आपको वर्च्यूज के थ्रू। हर कैरेक्टर का अपना एक, 6 बुक्स हैं, जितने भी मेल कैरेक्टर हैं या फीमेल कैरेक्टर हैं, सब के सब कैरेक्टर का कोई ना कोई पर्पस है आपको सिखाने का। ठीक है, जो 6 बुक्स हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो ये चीज़ तो हो गई, अब आगे देखते हैं। बुक नंबर 1 से लेकर 3 तक पब्लिश कब हुई थी ये मुझे बता दो, मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। है ठीक है, अगर आपको पता है तो बता दो, मैं 5 सेकंड वेट कर लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा आगे पीछे चलता है ना यूट्यूब पे, तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक लिखूँगी। पता है तो बता दो। बुक नंबर 1 से लेकर 3 तक कब पब्लिश हुई थी, और 4 से लेकर 6 तक बेसिकली ये टोटल था, कलेक्शन कब आई थी। 6 साल का फ़र्क था दोनों में। रमनप्रीत जी, जगदीप जी और खुशी जी कह रही 1590, हाँ जी 1590 में आई थी, और 6 साल के फ़र्क के हिसाब से 1596 में पहले तो उन्होंने बुक नंबर 4, 5 और 6 करी थी, बाद में उसी टाइम पे, यानी कि थोड़े ही डिफरेंस के अंदर, क्योंकि 12 महीने होते हैं ना, तो 1596 के एंड तक टोटल 1 to 6 बुक्स पब्लिश हो गई थी, इकट्ठा कर दिया था उनको, क्लब कर दिया था। संजू जी वेलकम टू द क्लास, हाँ जी 1990 लिख दिया आपने गलती से, शायद आप 1590 लिखना चाह रहे थे, है ना। बाकी गुरप्रीत जी, जगदीप जी सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, पलविंदर जी का भी आंसर आ गया, यादलीन जी का भी आ गया, वेरी गुड। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, DSSB में भी क्वेश्चन पूछा था। दरअसल क्या होता है कि मोस्टली जो सिलेबस होता है ना किसी भी टीचिंग एग्जाम का, चाहे आप कहीं भी किसी भी स्टेट का दे रहे हो, तो राइटर्स तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ज़रा ध्यान रखना। अमनदीप जी का भी आंसर आ गया। दूसरा, अब इसका जो ओरिजिनल सोर्स था, ओरिजिनल सोर्स यानी कि ओरिजिनल जो रेफरेंस थी ना, वो एरिस्टो करके कोई राइटर थे, एरिस्टोस ओरलैंडो फ्यूरिस्टो, ये इनके बुक का नाम था जिसको कि स्पेंसर ने रेफर किया था। हाँ जी, ऑल बुक्स प्लस 2 कैंटोज म्यूचुअली, हाँ म्यूचुअली जो आई थी वो 1609 में आई थी। दरअसल देखो क्या होता है कि रिवाइज्ड एडिशन आते हैं अमन जी। ठीक है, सुखवीर जी कह रहे हैं 1596, हाँ 6 अदर हाफ पब्लिश। यादलीन जी जो आप कह रहे हो ना 1609 में 9 आई थी, दरअसल क्या होता है कि वो रिवाइज्ड एडिशन आते हैं। ठीक है, प्लस 2 कैंटोज जो ऐड कर दिए गए थे वो आप सही कह रहे हो 1609 में आए थे, पर यहाँ पे प्लस 2 कैंटोज हो गए थे। ठीक है, तो ये एक्सटेंडेड वर्जन था। अगर आपको एग्जाम में अगर 1596 भी देगा और 1609 देगा तो डिपेंड करेगा उसने क्या पूछा है। कंप्लीट पूछा है तो 1609 है, अगर रिवाइज्ड पूछा है कि 1 to 2 बुक्स कब आई थी, देखो अगर रिवाइज्ड पूछा है ना कि बुक नंबर 1 to 6 कब आई थी, तो 1596 होगा। अगर कंप्लीट वर्ड है
रिवाइज्ड वर्ड नहीं है, ठीक है। रिवाइज्ड का मतलब हो गया कि उन्होंने पहली तीन बुक्स को और तीन के साथ जुड़ा जोड़ दिया, वो तो आई थी 1596 में, कंप्लीट जो आई थी वो 1609 में आई थी, प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। ऑरलैंडो फ्यूरिस्टो, हाँ जी सुखवीर जी सही कह रहे हो आप, ठीक है। अगर कोई डाउट हुआ करे तो कमेंट सेक्शन में फटाफट दे दिया करो, जैसे आपको ये डाउट था कि जो दो कैंटोज के साथ आई थी वो 1609 में आई थी, तो मैंने आपको वो क्लियर कर दिया, वो कंप्लीट मानी जाती है। अगर रिवाइज्ड पूछेगा तो 1596 में आएगी, वहाँ वो स्पेसिफाई नहीं करेगा कि बुक नंबर 4, 5, 6 की बात कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये तो इसका ओरिजिनल सोर्स था, कभी कभार पूछ लेता है, ये नाम दे देगा। अब आगे देखते हैं, एलिजाबेथ वन प्लस एंग्लिकन चर्च, इस बुक में इनको प्रेज किया गया है, ठीक है। प्रेज का मतलब हो गया कि जो कहते हैं ना हम, तारीफ की गई है, लेकिन डायरेक्ट नहीं पता चलता एलिजाबेथ वन का, वो तो ग्लोरियाना का कैरेक्टर है, ठीक है। दूसरी चीज, क्रिटिसाइज किया है किसको, रोमन कैथोलिक चर्च को, रोमन कैथोलिक चर्च को। अब बहुत सारे लोगों को डिफरेंस नहीं पता होगा कि एंग्लिकन में और रोमन कैथोलिक चर्च में फ़र्क क्या है, है ना। देखो जो कैथोलिक लोग थे उनका बेसिक पर्पस ये था कि वो जीसस क्राइस्ट की टीचिंग को फॉलो करते थे। ऐसा कहा जाता था कि एक टाइम ऐसा आया था इंग्लैंड के चर्च में कि वो ऐसा कहते थे कि कोई भी अगर उनकी बात नहीं मानता था, जैसे प्रीस्ट भी होते थे ना, पूजा करते थे, तो वो क्या करते थे, ब्राइब मांगते थे, रिश्वत जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो जितने भी पार्सन्स वगैरह हुआ करते थे, फ्रायर होते थे। जगदीप जी, इन विच बुक मैम, ओवरऑल की बात की है मैंने तो, जगदीप जी ओवरऑल की बात की है, ठीक है, कि मेन पर्पस या मेन आइडिया क्या था, ठीक है, कि पूरा फेरी क्वीन की बात हो रही है। अभी हम फेरी क्वीन से आगे नहीं मूव कर रहे हैं, फेरी क्वीन ही आएगा ना, तो फेरी क्वीन को ही डिस्कस कर रहे हैं, द फेरी क्वीन। तो द फेरी क्वीन में एलिजाबेथ वन की जो पॉलिसीज थी या रूल जिस तरीके का था उनका, 1558 में आई थी ना, ये भी याद दिला दूं आपको, 1558 से लेकर 1603 में रूल किया था इन्होंने, ठीक है। प्रेज किया गया है तो ग्लोरियाना के थ्रू उनको दिखाने की कोशिश की है, डायरेक्ट रेफरेंस हमें नहीं मिलती है। क्रिटिसाइज किया है रोमन कैथोलिक चर्च को, तो चर्च जो कैथोलिक थे वो ये जीसस क्राइस्ट की पूजा करते थे, लोग उनको डराते भी थे और ये कहते थे कि अगर आप गलत काम करोगे तो क्राइस्ट आपको क्या करेंगे, डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे, ठीक है। एंग्लिकन जो थे वो होली स्क्रिप्चर्स को पढ़ा करते थे, होली स्क्रिप्चर्स अब कितने भी हो सकते हैं, मतलब हर एक वो बुक जो आपको ज्ञान देती है, जिसमें कि बाइबल का अपना अलग एग्जिस्टेंस है, ठीक है। बाइबल यानी कि जिसे द होली बाइबल कहते हैं, हाँ जी एवलास जी अभी आ रहे हैं उसके ऊपर, किंग आर्थर को भी डिस्कस करते हैं। तो ये प्रैक्टिसेस पे बिलीव करते थे कि अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, बुरे काम करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा, जो कि नॉर्मल चीज़ है। तो इनके बड़े ही क्लैशेस रहते थे कि होली बुक वर्सेस एक गॉड की फिगर, ठीक है। चर्च ये भी जाते थे, ऐसा नहीं है कि ये बाइबल पढ़ते थे तो चर्च नहीं जाते थे, चर्च जाते थे बट फॉलो सिर्फ एक ही चीज़ को करते थे, वो थी इनकी अपनी प्रैक्टिसेस, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, डस्टर ये रहा। अब आगे देखते हैं, सिक्स बुक में सिक्स थीम्स हैं। उससे पहले एक और चीज, स्पेंसेरियन स्टैंजा, स्पेंसेरियन स्टैंजा 9 लाइंस का होता था, ठीक है। 8 जो लाइंस थी, फर्स्ट 8 लाइन, जैसे पोइट्री की बात कर रही हूँ मैं, लाइंस की बात कर रही हूँ मैं, जो 8 लाइंस होती थी वो पेंटामीटर में लिखी जाती थी, और जो 1 लाइन होती थी लास्ट की वो हेक्सामीटर में लिखा जाती थी, कभी कभार ये पूछ लेता है। अब राइम स्कीम की बात करते हैं, क्या पूछ रहे हैं, 9 लाइंस, हाँ जी जगदीप जी सही कह रहे हो आप, यही आंसर, ए बी ए बी, बी सी एंड सी। देखो 4 लाइंस, 4 लाइंस और 1 लाइन हो गई ना,
ये लिख लेना ही, वो कभी कभार पूछ लेता है। हाँ जी जगदीप जी, सही आंसर है आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट लाइन 12 सिलेबल्स। हाँ जी एवलास जी, अगर मैं अभी 12 सिलेबल्स के बारे में बता दूंगी ना, तो प्रॉब्लम ये है कि वो हमें लिंग्विस्टिक में पढ़ना है दरअसल, ठीक है। जो चीज़ वो नहीं पूछेगा उसका क्या फ़ायदा है। लास्ट लाइन को अलेक्जेंडर भी कहते हैं। हाँ जी कहते हैं राइम स्कीम ए बी। हाँ रमनप्रीत जी सही कह रहे हो, यही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 9 लाइंस का ध्यान रखना, क्योंकि 9 लाइंस पे क्वेश्चन पूछता है कि कितनी लाइंस होती हैं। बहुत ही क्लोज वो देगा 8, 7, 9 या 10, तो 9 लाइंस होती है, ये करेक्ट आंसर है। अब ठीक है, एवलास जी का आया है, ओके मैम, ठीक है जी। पेंसेरियन स्टैंजा हो गया है, अब आगे देखते हैं। अब हम करते हैं इसकी बुक के कैरेक्टर्स। 6 बुक्स है ना, देखो फर्स्ट बुक में क्या है, नाइट रेड क्रॉस। अब मुझे ये बता दो अगर किसी को पता है कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, फटाफट से इतने में लिख दूँ इसके बारे में। सर गुवन का कैरेक्टर था इसमें, और फिर हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, और फिर आज की क्लास हो जाएगी हमारी ख़त्म, फिनिश हो जाएगी। थर्ड बुक में लेडी है जो कि नाइट ब्रिटो मार्ट है। ब्रिटो मार्ट, ठीक है। सोनम जी मोरालिटी, अच्छा मोरल तो कैरेक्टर है, लेकिन जो थीम है ना वो होलीनेस है, और इसका नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसकी एक शील्ड थी दरअसल, ठीक है। शील्ड जो ये यूज करता था उस पर रेड कलर से एक ऐसा क्रॉस बना हुआ था, ठीक है। सर गुआन टेम्परेंस, हाँ जी सही कह रहे हो रमनप्रीत जी, टेम्परेंस को बताता है। ब्रिटो मार्ट चैस्टिटी को बताती हैं, है ना, फ्रेंडशिप को, हाँ सही कह रहे हो गुरप्रीत जी। शिवेलरी, देखो शिवेलरी अंकुश जी, जो शिवेलरी का कोट होता है ना, अगर आपने वो पढ़ी हो द कैंटरबरी टेल्स, तो उसमें नाइट स्क्वायर, ठीक है, ये वॉरियर्स होते थे, तो शिवेलरी जो है ये इनका कोड है, ठीक है। ब्रिटो मार्ट चैस्टिटी हो गया, ठीक है। एक थीम कर्टिसी भी है, कर्टिसी कौन रिप्रेजेंट करता है, नाइट कैलिडोर, है ना। अब बुक 4 का बता दो। देखो ये वाली जो बुक थी ना ये फ्रेंडशिप के ऊपर थी, ठीक है। बुक नंबर 4 दो दोस्तों की कहानी है। फिफ्थ स्टैंड्स फॉर जस्टिस, हाँ जी ये बुक का नाम याद रखना पड़ेगा आपको, जो लास्ट है उसमें नाइट कैलिडोर है ना। बुक नंबर 4 फ्रेंडशिप तो है, पर दो कैरेक्टर का नाम क्या है, नाम ध्यान है आपको, कैलरे। पलविंदर जी दरअसल सर कैलिडोर नाम है उसका, ठीक है, नाइट कैलिडोर भी बोलते हैं उसको, जिनको कि ये कहा जाता है कि ये क्या करते हैं, ये हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा, ठीक है। बुक नंबर 4 ट्राइमेंड प्लस, नाम बताओ बाकी, कैम्बेल, हाँ ठीक है, डबल एल आता है, ठीक है। तो फर्स्ट बुक में सर नाइट रेड क्रॉस, जो कि इनके शील्ड पे रेड क्रॉस बना रहता है, वो है बहुत ही ब्रेव पर्सन है ये, ठीक है। ये होलीनेस को बताते हैं, इनसे जो हमें वर्च्यू सीखने को मिलता है वो है होलीनेस। सर गुवन ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं, ये टेम्परेंस, यानी कि ये ज़्यादातर चीज़ों को ना बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, बहुत सोचते हैं, एकदम से क्विक नहीं है, यानी कि शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं है। ब्रिटो मार्ट
आर्टिकल की रेफरेंस आती है इसमें कि कुछ इनके साथ ऐसा होता है, कोई मैजिक के भी रेफरेंस है, इसलिए ये चैस्टिटी को मतलब प्योरिटी को बताती हैं। ट्राइमोंड एंड कैम्बल ये ब्रिटोमार्ट को और आर्टिकल को मिलते हैं, ये दोस्ती इनकी बड़ी अच्छी है इस पूरी बुक में, ठीक है। नाइट आर्टिकल ब्रिटोमार्ट के वुड बी हस्बैंड होते हैं, जस्टिस इनके लिए क्या सही है क्या गलत बहुत मैटर करता है। कैलिडोर कर्टिसी इसका मेटाफोरिकल मीनिंग ये है कि ये फ्रेंडशिप पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसकी स्टोरी। बुक नंबर वन बताओ जल्दी, अगर बुक वन और सिक्स तक डिस्कस करनी है तो अगर बुक वन और सिक्स अभी डिस्कस करनी है तो, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में जाऊं। डिस्कस करना ज्यादा बेटर रहेगा वैसे, है ना। एक आज लाइक नहीं किया क्योंकि लाइक के लिए नहीं बोला है। जगदीप जी कह रहे हैं यस मैम डिस्कस कर लो। अमनदीप भी कह रहे हैं यस मैम डिस्कस कर लो। कर लेते हैं डिस्कस, चलो ठीक है। अच्छा लगा करे ना। भूपिंदर जी वेलकम टू द क्लास। डिस्कशन ठीक है, मैं आपको कैरेक्टर्स बता देती हूँ क्योंकि आपको पता है कि वो कितनी मोटी बुक है, ठीक है। सब तो नहीं पूछेगा, डायलॉग्स नहीं पूछता, बट कैरेक्टर पूछता है, ठीक है। अंकुश जी कह रहे हैं डिस्कस कर लो, ठीक है। देखो बुक नंबर वन में दो कैरेक्टर होते हैं, रेड क्रॉस जो कि नाइट है, ठीक है। एक कैरेक्टर है ऊना, दरअसल ऊना का जो कैरेक्टर है ये बताया गया है कि ऊना के जो पेरेंट्स हैं उनको ड्रैगन ले गया है, ठीक है। सही है या गलत डिस्कस कर लेते हैं। संदीप जी कह रहे हैं ठीक है। तो क्वेस्ट पर जाते हैं लेडी ऊना, ठीक है, लेडी ऊना और ये जो नाइट हैं रेड क्रॉस, ये बेसिकली क्या होता है कि ये क्वेस्ट पर जाते हैं। भूपिंदर जी कह रहे हैं थैंक यू मैम, वेलकम जी। अब जो लेडी ऊना है वो बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया है, ठीक है। ये कैरेक्टर बहुत ही पॉजिटिव है। इनके पेरेंट्स जो खो गए हैं, दरअसल उनको एक ड्रैगन ले जाता है और उस ड्रैगन का नाम क्या होता है अगर पता है तो बता दो। इस ड्रैगन का नाम होता है एरर, ठीक है। एरर की स्पेलिंग अगर आप देखें तो उसमें यू और ऐड हो जाएगा। क्वेस्ट मतलब होता है ढूंढना, किसी चीज़ के पीछे पड़ना, ठीक है। ये क्वेस्ट वर्ड होता है, खोज चल रही है किसी चीज़ की कि पेरेंट्स को कौन ले गया, पेरेंट्स को ड्रैगन ले गए हैं। ऊना रिप्रेजेंट ट्रूथ, हाँ जी वीरपाल जी, ट्रूथ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। फिर इन्हें रास्ते में क्या मिलता है, एक और कैरेक्टर है देखो, आर की मागो। दरअसल ये जो कैरेक्टर है ये विलन कैरेक्टर है, ठीक है, नेगेटिव कैरेक्टर है। एवलास कह रही हैं ओके मैम, ठीक है। अब ये देखो ये जो कैरेक्टर है ना, इसके साथ क्या है कि ये ट्रांसफॉर्म कर सकता है अपने आप को, इमेजेस चेंज कर लेता है। मतलब अगर वो आर्थर को देखेगा तो आर्थर जैसा बन जाएगा, मतलब उसके पास पावर है तो मैजिक का वो यूज़ करता है, ठीक है। बाकी तो मुझे किसी का अभी तक मैसेज नहीं आया, ठीक है। मीनवाइल क्या होता है कि ये ड्रैगन का नाम है, इसको ज़रा देख लेना। रास्ते में आर्किमागो मिलता है, तो आर्किमागो का मैंने बता दिया है कि ये नेगेटिव कैरेक्टर है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। हाँ जी जगदीप जी, रूप चेंज कर लेता है, ठीक है। अकेला ऐसा कैरेक्टर है जो दो से तीन बार मिलता है और अलग अलग बुक्स में मिलता है। सॉसर एंड डिसीवर, हाँ जी सॉसर एंड डिसीवर जो क्वालिटी होती है वो सैटर्न की भी थी, मैनिपुलेट कर सकता था, ठीक है। तो आप ये मान सकते हो कि उसी जैसा कैरेक्टर है। जब ये आर्किमागो जाता है तो क्या करता है, आर्किमागो के एक साथ और कैरेक्टर होता है, मतलब ये अलग से प्रेजेंस है। फिर डुएसा, ये ऊना के बिल्कुल ऑपोजिट है, ये रेड क्रॉस को मैनिपुलेट करती है,
कि ऊना तो बेकार है, ठीक है, तो वो उसकी बातों में आ जाता है। और इसमें कौन हेल्प करता है, इसमें इसकी आर्किमागो हेल्प करता है। तो जब ये इसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है रेड क्रॉस का, तो फिर क्या होता है कि डुएसा की बात में आ जाता है और ऊना जो है वो अलोन रह जाती है। विच नहीं कहेंगे उसको, ठीक है, विच कहीं जगह ये वर्ड होता है पर विच कहना उसको गलत होगा थोड़ा सा। विच वर्ड ये यूज किया गया है, ठीक है, लेकिन क्या है कि वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती आपको, क्वालिटीज उसके विच वाली हैं। डुएसा को क्वीन मैरी दिखाया है, हाँ मैं कर रही हूँगी उसकी बात, एक सेकेंड। डबल स्टैंडर्ड यानी कि डबल फेस की बात करती है कि आपके सामने कुछ और है और बाद में कुछ और है। ऊना को ऐसा शो करती है कि वो उसके फेवर में है, लेकिन वो भड़काती है दरअसल रेड क्रॉस को, ठीक है। अब होता क्या है कि रेड क्रॉस ऊना को जो है वो लेफ्ट कर देते हैं और डुएसा के साथ चले जाते हैं, तो ऊना अकेली रह जाती हैं, ठीक है। अब जब ऊना अलोन है तो वो रास्ते में उनको एक लायन मिलता है जो कि उनके ब्यूटी से बड़ा ज़्यादा इम्प्रेस होता है, ठीक है। ये इनको गार्ड करता है क्योंकि रेड क्रॉस और डुएसा तो चले गए, तो ऊना को वो गार्ड करता है। यहाँ पे एक और विलन की रेफरेंस है, क्या है उसका नाम, सेंस लॉरी। ये ऊना को जब परेशान करने की कोशिश करता है तो लायन इसको गार्ड करता है। और होता ये है कि सेंस लॉरी जो कि लॉलेसनेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इसका कैरेक्टर जो है लॉलेसनेस को रिप्रेजेंट करता है। अब ये लायन को मार देता है तो ऊना को कौन मिलता है, ऊना को फिर मिलता है आर्थर। और आर्थर जब ऊना को मिलता है तो ये दोनों मिलकर डुएसा की रियलिटी किसको बताते हैं, जल्दी से बताओ किसको बताते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, ठीक है, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो आगे चलते हैं। तो रेड क्रॉस, आर्थर और ऊना अब साथ में हैं। अब बुक नंबर 2 पे चलते हैं। बुक नंबर 1 समझ आ गई ना, ग्लोरियाना का एज अ बैकग्राउंड काम है, ठीक है। अभी जो मेन डिस्कस कर रहे हैं ना, प्लॉटिंग समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, हर कोई ग्लोरियाना को ढूंढने निकलता है, ठीक है अविलास जी। तो अब क्या है, बुक नंबर 2 में सर गुओन जो कि टेम्परेंस को बताते हैं, मैं मोटा मोटा डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। खुशी जी रेड क्रॉस, हाँ जी आपने क्लियर आंसर दिया है। देखो ये मिलते हैं रेड क्रॉस नाइट से, ठीक है, और फिर क्या होता है, फिर थोड़े टाइम बाद जो आर्किमागो है वो फिर आता है। इस बार वो इसको भड़काने की कोशिश करता है लेकिन ये भड़कते ही नहीं है, इनफैक्ट ये फ्रेंड्स बन जाते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर इनको एक और पर्सन ज्वाइन करता है, वो है पाल्मर। पाल्मर को रीज़न और प्रूडेंस का सिंबॉलिक है, मतलब कि उसके लिए भी जो चीज़ें सही हैं वो सही है, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा रीज़न यानी कि लॉजिक के तरीके से सोचता है। तो पाल्मर इन 1, 2, 3 अब ये दोस्त क्वेस्ट पे जाते हैं, ठीक है। जब क्वेस्ट पे इनको जाते हैं तो एक और इनको विलन मिलता है जिसका कि नाम क्या होता है, आई गेट्स कमेंट्स नहीं आ रहे, बुक नंबर 2 में विलन का नाम ब्रैगो डोसियो ऐसा कुछ नाम है उसका, ब्रैगो डोसियो नाम का जो विलन होता है। देखो ये जो विलन है ना, इस विलन को सर गुओन हरा देते हैं, ठीक है। लास्ट में जो एक कैरेक्टर आता है वो है अर्केसिया, मिस्ट्रेस होती हैं ये। अब नेक्स्ट देखते हैं, खुशी जी के मैसेज के बाद मैसेज नहीं आया किसी का, एवलास जी का ब्रैगो, हाँ जी ये विलन है, ठीक है। मेन कैरेक्टर्स में आपको बता रही हूँ क्योंकि पूरी बता पाना तो मुश्किल है। तो आर्केसिया का जो कैरेक्टर होता है वो सेकंड में आता है, कोई बात नहीं सोनम जी दोबारा विजिट कर लेना, ठीक है। बुक 3 में ब्रिटोमार्ट
ब्रीटो मार्ट का कैरेक्टर है, ये एक नाइट है, बेसिकली ये लेडी है, इनको कोई मिरर, मिरर की रेफरेंस है, वो मिरर इनसे आके कहता है कि ये जो है आर्टिगल इनके वुड बी हस्बैंड होंगे, ठीक है, तो वुड बी हस्बैंड होंगे तो आप उनको खोजने जाओ। जब ये जाती हैं तो वहाँ पता चलता है कि इनको विजिट करनी पड़ेगी बहुत सारी चीज़ें। जब ये इनसे मिल रही होती हैं, बहुत कंफ्यूजिंग स्टोरी, हाँ जी एवलास जी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टोरी है, इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं बता दूं, ये इनके वुड बी हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है, विजिट तो आपको करनी पड़ेगी। बुक फोर में जब ब्रीटो मार्ट सर्च कर रही होती हैं आर्टिकल को, तो जो ये थे ना इनके दोस्त, दो कैरेक्टर्स मिलते हैं इनको, कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, ट्राइमोंड या ट्राइमोंड प्लस कैम्बल, ठीक है, इनकी वाइफ भी हैं और इनकी भी वाइफ है, ठीक है। अब लास्ट बुक रह गई हमारी दो, एवलास जी कह रही है बहुत कंफ्यूजिंग स्टोरी है, हाँ जी कंफ्यूजिंग तो है, यस अमनदीप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, हाँ जी बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, कभी कभार तो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है कि दोबारा स्टोरी सर्च करनी पड़ती है कि हमने पढ़ा कहाँ था ये कैरेक्टर, पोइट्री फॉर्म में है वो अलग। बुक फोर हमने डिस्कस कर ली ना, बुक फाइव कर रही है, ठीक है अमनदीप जी सही कह रहे हो आप, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं। बुक फाइव में हमें बेसिकली ये पता चलता है कि जो आर्टिकल है वो आर्थर से मिल जाते हैं, ठीक है, आर्टिकल किसको रिप्रेजेंट करते थे बेसिकली, जस्टिस को ना, हाँ या ना, इतने कैरेक्टर याद कैसे करेंगे, सिर्फ आपको इतना याद रखना है एविलास जी कि कौन सा कैरेक्टर किस बुक में है, दो तीन बार पढ़ोगे ये लेक्चर विजिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी देखो दुश्मन कौन कौन है, एनवी, डिट्रैक्शन, एक और होता है इनका दुश्मन, सुखवीर जी कह रहे हैं यस मैम, खुशी जी कह रही हैं हाँ जी मैम, एक और कैरेक्टर है इसका बैलेंट बीस्ट, ये तीनों कैरेक्टर को ये दोनों हरा देते हैं, बेसिकली हराता तो एक ही कैरेक्टर है आर्टिकल, ठीक है। अब लास्ट बुक, बुक नंबर सिक्स, ये तीन विलन के पूछ लेता है कि ये कौन सी बुक्स में आते हैं, ये विलन कैरेक्टर है, नेगेटिव कैरेक्टर है, लास्ट बुक, और फिर दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन और फिर क्लास ख़त्म। बुक नंबर सिक्स देखो, बुक नंबर सिक्स में क्या है, सर कैलिडोर आ जाते हैं, ठीक है, और ये किसको बताते हैं, ये कर्टिसी, कर्टिसी होती है जब कोई नाइट हमेशा तैयार रहता है किसी की हेल्प करने के लिए, ये बहुत ही हेल्पफुल नेचर के हैं, इसीलिए इन पे क्वेश्चन आता है कि सर कैलिडोर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो कर्टिसी को रिप्रेजेंट करते हैं सर कैलिडोर। तो ये यहाँ ख़त्म हो गई बुक नंबर 1, 2, 6, अब करते हैं क्वेश्चन। देखो पंजाब मैम एमसीक्यू, हाँ एमसीक्यू करा रही हूँ, ठीक है एमसीक्यू कर लेते हैं। अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो आपका लास्ट पेपर आया था, मैंने ओपन कर लिया है, एवलास जी करा रही हूँ, लास्ट जो पेपर में क्वेश्चन आया था देखो लिख रही हूँ मैं फटाफट, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पूछा गया था, सर फेरी क्वीन, द फेरी क्वीन पोयम किसने लिखी है, द फेरी क्वीन पोयम किसने लिखी है, स्पेंसर ने, ऑप्शन देखो स्पेंसर, चौसर, मिल्टन, अब इसका फटाफट से आंसर दे दो, या फिर ड्राइडन, क्योंकि हमने अभी पढ़ी है तो हमें पता है। अब देखो ऑप्शन कैसे देता है, चौसर 14th century से बिलोंग करते हैं, ये लेट एलिजाबेथ से बिलोंग करते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 16th century, ड्राइडन 17th century ऑनवर्ड्स आते हैं, स्पेंसर 16th century में है ना, खुशी जी कह रही है स्पेंसर, हाँ जी करेक्ट आंसर है स्पेंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट कि कौन सा क्वेश्चन था, सिपिका जी, वीरपाल जी, एवलास और सुखवीर जी का आंसर आया एडमंड स्पेंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 48, इसके बाद मैं तीन क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछा था, स्पेंसर्स फेरी क्वीन, स्पेंसर्स फेरी क्वीन, मैं ऐसे लिख रही हूँ प्लीज़ ध्यान रखना, ब्लेंड्स दो चीज़ों को करता है ब्लेंड, क्या ऑप्शन है, ओल्ड प्लस न्यू
रोमन प्लस गॉथिक, पैगन, पैगन का मतलब एंग्लिकन हो गया एक तरीके से, प्लस क्रिश्चियन। पैगन वो भी होते थे कुछ लोग जो प्रीस्ट को फॉलो करते थे लेकिन चर्च की बात को फॉलो नहीं करते थे, ठीक है, या ऑल ऑफ द अबव। मैंने आपको बताया कि एंग्लिकन और रोमन की रेफरेंस मिलती है, ठीक है, तो ये आंसर करेक्ट है। गॉथिक, क्योंकि कभी अगर आपने उड़ता हुआ शीशा देख लिया तो आप डर जाओगे ना, मैजिक चीज़ें देख ली तो डर जाओगे ना, तो गॉथिक का मतलब वही डराना ही होता है। ओल्ड एंड न्यू, न्यू इसलिए क्योंकि मैजिक को मिक्स कर दिया है ओल्ड वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। खुशी जी, इसका आंसर 4 है, ऑल ऑफ द अबव, चारों चीज़ों का यूज़ है, ठीक है। अब वो 3 क्वेश्चन जो मैं लेकर आई थी, देखो, स्पेंसर्स सोनेट सीरीज इज क्या है, इज कॉल्ड, मतलब नाम पूछ रहे हैं। मैं बेसिकली 2 ऑप्शन दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं क्योंकि क्लास स्ट्रेच हो जाएगी, द शेपर्ड्स कैलेंडर और एमोरेटी। सोनेट सीरीज के बारे में बात हो रही है, जल्दी से आंसर कर दो। हाँ जी सुखवीर जी, कुलदीप जी, करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब जल्दी से आंसर करो मुझे कि ए है, बी है या सी है। एमोरेटी, सिपिका जी और खुशी जी का आंसर आया एमोरेटी, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरप्रीत जी कह रहे हैं सेकंड, संदीप जी कह रहे हैं बी, एवलाज और अमन जी का आया है और सुखवीर जी का भी एमोरेटी, हाँ ठीक है, करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, स्पेंसेरियन स्टैंजा कंसिस्ट ऑफ, लाइन पूछ रहा है कितनी लाइन्स हैं, 9, 8, 10 और 12, आंसर बताओ जल्दी, ए बी सी और डी, कितनी लाइन्स। कुलदीप जी कह रहे हैं बी एमोरिटी, हाँ जी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर बता दो, फिर एक लास्ट क्वेश्चन रह जाएगा, जल्दी से। सिपिका जी का आ गया आंसर, गुरप्रीत जी का आ गया 9, 9, एवलाज जी, संदीप जी, खुशी जी, हाँ जी 9 आंसर करेक्ट है, 9 लाइंस, ठीक है। बाकी आपको बता दिया कि 8 + 1 थे, अमनदीप जी कुलदीप जी का आंसर आ गया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और फेरी क्वीन के लिए प्लीज़ जो 6 बुक्स के कैरेक्टर यहाँ डिस्कस किए हैं ना, उनको उस लेक्चर को दोबारा देख लेना, इस वाले को ही। भूपिंदर जी का भी 9 आंसर आया, हाँ जी। अब देखते हैं, हु इज दी क्वीन ऑफ, क्या था, क्वीन ऑफ, ठीक है, वीरपाल जी का भी आंसर है 9, क्वीन ऑफ फेरीलैंड इन फेरी क्वीन। अब आंसर देखो कि क्या है, ये क्वेश्चन है, ऑप्शन देखो, ए एलिजाबेथ, ग्लोरियाना डुएसा, ब्रिटोमार्ट। अब मुझे बताओ लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन बड़ा ही फनी सा दिया है, एलिजाबेथ 1। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, जल्दी से आंसर कर दो। थैंक यू अमन जी, खुशी जी का आंसर आ गया फटाफट, ठीक है खुशी जी, बाकी बताओ जल्दी। देखो डुएसा की तो रेफरेंस नहीं है, डुएसा आंसर नहीं है, डुएसा इसलिए नहीं है क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर को हम क्वीन देखते भी नहीं है, प्लस ये बार डाइजेस्ट करनी मुश्किल है। एलिजाबेथ 1 की डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है, ब्रिटोमार्ट सिर्फ आर्टिकल की स्टोरी आगे पीछे घूमती है, ठीक है। तो अगर वो क्वीन थी किसी जगह की तो उनको प्रेज किया जाना था बहुत ज़्यादा, पूरा थ्रू आउट द फेरी क्वीन ग्लोरियाना को ही प्रेज किया जाता है, इसकी बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं, प्लस आपको ये रेफरेंस मिलती है बुक नंबर 1, 2, 3 में, ये बैकग्राउंड का कैरेक्टर है, हर कोई जो है वो ग्लोरियाना से मीट करना चाहता है, ठीक है जी। तो आज का लेक्चर, खुशी जी कह रही है नाइस टीचिंग, एवलास जी और संदीप जी का आंसर आया ए, संदीप जी का आंसर आया मतलब रिप्लाई आया, थैंक यू मैम, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कल की क्लास लिंग्विस्टिक पे होगी, टॉपिक अभी मैं नहीं बता सकती क्योंकि वही क्वेश्चन निकालूंगी जो मास्टर कैडर में होंगे, ठीक है। एक और बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ, एवलास जी का आंसर आया है अब, संदीप जी थैंक यू जी। एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ, लिंग्विस्टिक हम बीच बीच में करेंगे क्योंकि लिंग्विस्टिक से
लिंग्विस्टिक से ज़्यादा जो है वो लिटरेचर आता है, तो इसलिए लिटरेचर मीनवाइल पढ़ते रहिए यहाँ किस तरीके से। हाँ जी अविलास जी, वेरी टफ क्वेश्चन आते हैं लिंग्विस्टिक के, है ना। वीरपाल जी थैंक यू सो मच। अविलास जी मास्टर कैडर, देखो इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। केवीएस की अगर मैं बात करूँ ना तो केवीएस उससे ज़्यादा मुश्किल है। थैंक यू अमनदीप जी। बेसिक पर्पस यही है कि वो यूज़फुल होना चाहिए जो भी हम पढ़े, है ना। बता तो मैं आपको ये भी सकती थी कि ब्रिटोमार्ट भी लिखा था उसने, प्रोथलामियन भी लिखा था, कोलिंथ क्लाउड भी लिखा था, पर उसमें तो क्वेश्चन नहीं पूछता ना। और आपको ऑप्शन अगर मिल्टन देगा, ड्राइडन देगा, पोप देगा, तो जाहिर सी बात है आप आंसर लगा दोगे, ठीक है। तो इट्स टाइम टू गो ऑफलाइन, रिविजिट कर लेना पूरा ये लेक्चर, इससे पिछला भी हो सकता है एक दो लाइंस कंटेंट वाइज वहाँ आपको मिल जाएं, ये भी मैं क्लियर कर रही हूँ क्योंकि मेरे को आज बुक डिस्कस करनी थी तो आधा मेरे को नहीं ध्यान रहा, जितना मुझे आया मैंने आपको बता दिया, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, कल मिलते हैं। टॉपिक मैं थंबनेल पे डलवा दूंगी जो भी पढ़ाऊंगी, पर यूज़फुल होगा, ठीक है। चलो जी, बाय बाय, टेक केयर।